नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कहा, राज्य में 28,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा, मुंबई का जिन्ना हाउस भारत सरकार की संपत्ति और इस पर पाकिस्तान को दखल देने का कोई अधिकार नहीं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने चिटफंड घोटाले में कथित रूप से शामिल होने पर वरिष्ठ पत्रकार सुमन चट्टोपाध्याय को गिरफ्तार किया। अमरीका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मतभेद के कारण इस्तीफा। और क्रिकेट में पूर्व सलामी बल्लेबाज डब्ल्यूबी रमन महिला टीम के नए कोच नियुक्त। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आज से गुजरात के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। ये सम्मेलन नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट तंबुओं का शहर बनाया गया है। हर वर्ष आयोजित होने वाले पुलिस महानिदेशक सम्मेलन में पूरे देश के शीर्ष पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में सीमा पार से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश जैसे विषयों पर प्रमुख रूप से चर्चा की जाएगी। पिछले 3 सालों में गुजरात में यह दूसरी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इसके पहले कच्छ के धोड़ो में टेंट सिटी में वर्ष 2016 में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू और हंसराज गंगाराम आहिर भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। भरत देवमणि, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री श्री मोदी दिल्ली लौटने से पहले कल गांधीनगर के निकट अदालाज गांव में भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में सड़क निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। कल लोअर दिबांग घाटी जिले के रोइंग में कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में 28,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं पर काम चल रहा है। श्री गडकरी ने लोहित और दिबांग नदी पर दो पुलों का भी शुभारंभ किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के सत्ता में आने से पहले राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग केवल 1,804 किलोमीटर था, अब ये बढ़कर 2,885 किलोमीटर हो चुका है। श्री गडकरी के साथ मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय राज्य गृहमंत्री किरेन रिजिजू भी थे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज नई दिल्ली में चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन उच्च स्तरीय तंत्र की पहली बैठक की सह अध्यक्षता करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस तंत्र का गठन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। चीन के चिंगदाओ में शंघाई सहयोग शिखर बैठक के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने का निर्णय लिया था। वुहान में अनौपचारिक बैठक के दौरान भी दोनों नेताओं ने लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया था। भारत चीन उच्च स्तरीय तंत्र का उद्देश्य पर्यटन, कला, फिल्म, मीडिया, संस्कृति, योग, पारंपरिक भारतीय औषधियां, खेलकूद तथा युवा और शिक्षा क्षेत्र में आपसी आदान प्रदान बढ़ाना है। दोनों पक्ष बैठक के बाद समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर करेंगे। श्री वांग यी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ तीसरे भारत चीन उच्च स्तरीय मीडिया फोरम के उद्घाटन सत्र में भी शामिल होंगे। श्री वांग यी का महाराष्ट्र में मुंबई और औरंगाबाद जाने का भी कार्यक्रम है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्री वांग यी 4 दिन की भारत यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंचे थे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई का जिन्ना हाउस भारत सरकार की संपत्ति है और महत्वपूर्ण समारोहों के आयोजन के लिए इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कल शाम नई दिल्ली में मीडिया के सवाल पर कहा कि इस भवन पर पाकिस्तान को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। श्री रवीश कुमार ने कहा,
हम वास्तव में नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस की तर्ज पर इसका जीर्णोद्धार कर प्रभावकारी उपयोग के लिए तैयार करने जा रहे हैं। इसके बारे में हमारा रुख एकदम स्पष्ट है कि ये हमारी संपत्ति है। बांग्लादेश में आगामी चुनाव के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि भारत इस महीने की 28 तारीख से 3 पर्यवेक्षकों का प्रतिनिधिमंडल ढाका भेजेगा। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के बारे में पूछे जाने पर प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय दूतावास इस मामले में ब्रिटिश अधिकारियों के संपर्क में है। मध्य प्रदेश में अफसरशाही में एक बड़े फेरबदल के तहत मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 24 जिला कलेक्टरों सहित करीब 48 आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है। कुछ अधिकारियों को कल आधी रात उनकी अतिरिक्त जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में चिटफंड घोटाले में कथित रूप से शामिल वरिष्ठ पत्रकार सुमन चट्टोपाध्याय को कल गिरफ्तार कर लिया। जांच से पता चला है कि पोंजी कंपनी आई कोर ग्रुप द्वारा गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा की गई धनराशि कथित रूप से सुमन चट्टोपाध्याय के खाते और उस मीडिया कंपनी के खाते में जमा की गई जहां वो निदेशक की हैसियत से काम कर रहा है। एक रिपोर्ट। बंगाली दैनिक एई शौमय के संपादक चट्टोपाध्याय को पूछताछ के लिए कोलकाता में सीबीआई कार्यालय में बुलाया गया और उसे वहीं हिरासत में ले लिया गया। उसकी तलाश का वारंट भी जारी किया गया था। चट्टोपाध्याय को आज भुवनेश्वर में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। भारतीय तटरक्षक पोत विक्रम आज संयुक्त अरब अमारात की सद्भावना यात्रा पर होगा। स्वदेश में ही विकसित गश्ती पोत विक्रम दुबई में राशिद बंदरगाह पर रुकेगा। सऊदी अरब से ये संयुक्त अरब अमीरात जाएगा। भारतीय तटरक्षक पोत विक्रम की ये सद्भाव यात्रा भारत की सामरिक क्षमता के प्रदर्शन और उसकी अपतटीय तैनाती का हिस्सा है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र की महत्वपूर्ण नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी के एकल स्लैब पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति की है। एक ट्वीट में श्री जेटली ने कहा कि विलासिता की वस्तुओं और आम आदमी की जरूरत की वस्तुओं पर समान कर नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा कि वस्तु और सेवा कर के तहत पहले ही 334 वस्तुओं को जीएसटी घटाकर 12% और 18% की स्लैब में लाया गया है। तेलंगाना में मोहम्मद महमूद अली ने कल शाम हैदराबाद स्थित राज्य सचिवालय में गृहमंत्री का पदभार संभाल लिया। श्री अली के चंद्रशेखर राव के मंत्रिमंडल में अभी एकमात्र मंत्री हैं। उन्होंने एक सप्ताह पहले मुख्यमंत्री के साथ शपथ ली थी। पिछली सरकार के दौरान वे उप मुख्यमंत्री थे और उनके पास राजस्व मंत्रालय का कार्यभार था। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना और अपराध दर घटाने को शीर्ष प्राथमिकता दी जाएगी। कर्नाटक ने सूखे की स्थिति का सामना कर रहे अपने किसानों के लिए केंद्रीय सहायता का अनुरोध किया है। राजस्व मंत्री आरवी देशपांडे ने केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह को पत्र लिखकर आपदा राहत कोष से धनराशि जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने उन किसानों को भी राहत देने को कहा है जिनकी फसल को 50% से कम नुकसान हुआ है। अमरीकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ नीतिगत मतभेदों के कारण इस्तीफा दे दिया है। श्री ट्रंप को कल भेजे त्यागपत्र में श्री मैटिस ने संकेत दिया कि वो राष्ट्रपति के साथ मतभेदों की वजह से पद छोड़ रहे हैं। श्री डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मंत्री जिम मैटिस के फरवरी के अंत में सेवानिवृत्त होने की घोषणा करते हुए ट्वीट किया कि जनरल मैटिस ने सैन्य दायित्वों को पूरा करने में गठबंधन सहयोगियों और अन्य देशों को तैयार करने में बहुत सहयोग दिया। श्री ट्रंप ने घोषणा की थी कि सीरिया से सभी अमरीकी सैनिक वापस बुला लिए जाएंगे। इसके एक दिन बाद ही जनरल मैटिस के पद से हटने की खबर सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीनेट के व्यय विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया है। उनका कहना है कि इसमें अमरीकी मैक्सिको सीमा दीवार सहित सीमा सुरक्षा के लिए व्यय प्रावधान नहीं है। सदन के अध्यक्ष पॉल रायन ने श्री ट्रंप के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि विधेयक पर हस्ताक्षर करने से राष्ट्रपति के इंकार के बाद व्यय विधेयक में सीमा सुरक्षा संबंधी प्रावधान शामिल करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी नए समझौते तक पहुंचने के लिए सांसदों के पास केवल एक दिन का समय है। उधर डेमोक्रेट सांसदों ने कहा है कि वे सीमा दीवार के लिए अधिक व्यय की राष्ट्रपति ट्रंप की मांग स्वीकार नहीं करेंगे। सूडान में ब्रेड के बढ़ते मूल्य पर देश के पूर्वी भागों में हो रहे विरोध प्रदर्शन के दूसरे दिन कल पुलिस के साथ झड़पों में 8 प्रदर्शनकारी मारे गए। पिछले सप्ताह ब्रेड के दाम बढ़ाने के सरकारी फैसले के बाद बुधवार को देश के अनेक भागों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। ये विरोध कल राजधानी खार्तूम तक आ पहुंचा। राष्ट्रपति आवास के निकट प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े।
उत्तर प्रदेश में लगातार तापमान गिरने से कई स्थानों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राज्य में कई स्थानों पर घने कोहरे से रेल यातायात बाधित हुआ है। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में घना कोहरा छाया है। तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे 5.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेज हवाओं से ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग के महानिदेशक केजे रमेश ने बताया कि आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ेगी। पूरे उत्तर भारत में मौसम ठंडा हो गया है। ये जो है हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर में बर्फबारी हो रही है, उसकी वजह से पूरा मैदानी इलाकों में भी मौसम ठंडा हो गया है। आने वाले दिनों में और इसी तरह का मौसम बरकरार रहने का पूरा अंदाजा है और इसी हिसाब से रात का टाइम, पर्टिकुलरली सुबह का टाइम, अपने आप को बचाना बहुत जरूरी। 5 डिग्री के आसपास मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज WV रमन महिला क्रिकेट टीम के नए कोच नियुक्त किए गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कल मुंबई में एक बयान में कहा कि 53 वर्षीय रमन का चयन श्री कपिल देव, अंशुमन गायकवाड़ और सुश्री शांता रंगास्वामी की अस्थायी समिति की सिफारिशों पर किया गया है। इस पद के लिए 28 उम्मीदवारों के नाम थे। श्री रमन के नेतृत्व में भारतीय महिला क्रिकेट टीम अगले महीने न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद विशाल। एनडीए से अलग हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की यूपीए के महागठबंधन में शामिल होने को आज के सभी समाचार पत्रों ने पहली खबर बनाया है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है 2019 जोड़ तोड़ की कोशिशें हुई तेज। हिंदुस्तान लिखता है गठबंधन पर सियासत गरमाई, बिहार में एनडीए के खिलाफ 5 दल एक साथ। उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए ज्यादा कड़े प्रावधानों के साथ उपभोक्ता संरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित होने का समाचार ज्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर है। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, ग्राहकों को धोखा दिया तो कंपनी या सेवा प्रदाता पर 10 लाख रूपये का जुर्माना, मिलावट पर उम्र कैद। पत्र लिखता है अब ट्राई की तरह प्राधिकरण बनेगा, कार्रवाई का होगा अधिकार। वहीं इकोनॉमिक टाइम्स की सुर्खी है जिम्मेदारी से भाग नहीं पाएंगी ई कॉमर्स कंपनियां, नए रूल से कसेगा सिकंजा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में चालू वित्त वर्ष के अंत तक 83,000 करोड़ रुपए डालने की सरकार के फैसले को भी अखबारों ने अहमियत दी है। अरबों का कैपिटल सपोर्ट शीर्षक से इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है आरबीआई के पीसीए फ्रेमवर्क में रखे गए 11 में से 5 बैंकों को मिलेगी मदद। दैनिक जागरण के शब्द हैं पूंजी उपलब्ध कराकर बैंकों की वित्तीय हालत को मजबूती देगी सरकार। सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा मौजूदा 30 की बजाय 27 वर्ष करने के नीति आयोग के सुझाव को हरी भूमि ने दिया है। देश की पहली इंजन रहित ट्रेन का सफल ट्रायल अमर उजाला में है। पत्र लिखता है दिल्ली से आगरा 108 मिनट में पहुंची ट्रेन 18। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अरुणाचल प्रदेश में कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 28,000 करोड़ रूपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई का जिन्ना हाउस भारत सरकार की संपत्ति है, इस पर पाकिस्तान को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने चिटफंड घोटाले में कथित रूप से शामिल होने पर वरिष्ठ पत्रकार सुमन चट्टोपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया है और अमेरिका के रक्षा मंत्री जिम मैटिस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।